हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल की शाखाएं, भूगोल को कितने ब्रांच के अंदर डिवाइड किया है। ज्योग्राफी को मेन रूप से टू टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इसमें आता है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, दूसरा आता है आपका रीजनल ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी इज स्टडी ए पर्टिकुलर एलिमेंट ओवर द अर्थ और ए पार्ट देयर ऑफ। जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है, ये भूगोल का अध्ययन जो है वो एक सिस्टमेटिक वे से करता है, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एलिमेंट को लेकर के उसकी स्टडी होल अर्थ के ऊपर की जाती है या पृथ्वी के किसी एक भाग के ऊपर की जाती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी स्टडी ए पर्टिकुलर एलिमेंट। पर्टिकुलर एलिमेंट कोई एक निश्चित जो तत्व होता है, तथ्य जो होता है, घटक जो होता है, उसको ओवर द अर्थ और ए पार्ट देयर ऑफ, या तो पूरी पृथ्वी पर उस एलिमेंट की स्टडी की जाती है या पृथ्वी के कोई भी एक जो पार्ट है, पर्टिकुलर पार्ट है, उसके ऊपर उसकी स्टडी की जाती है, तो उसको हम सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का नाम देते हैं। सेकंड आता है आपका रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी के नाम से ही पता चलता है कि एक रीजन, कोई स्पेसिफिक रीजन्स होता है, उस स्पेसिफिक रीजन्स के ऊपर जब सभी ज्योग्राफिकल एलिमेंट को लेकर के उसकी स्टडी की जाती है, तो उसको हम नाम दे देते हैं रीजनल ज्योग्राफी। तो रीजनल ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है वो ध्यान दें, रीजनल ज्योग्राफी स्टडी ए पर्टिकुलर रीजन्स विद रेफरेंस टू ऑल द ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स। कोई भी पर्टिकुलर रीजन्स लेकर के और उस पर सभी ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स की स्टडी की जाती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रीजनल ज्योग्राफी। जैसा कि इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि ये आपकी होल अर्थ है और इस होल अर्थ के ऊपर सभी ज्योग्राफिकल जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी क्लाइमेट होती है, सोयल होती है, वेजिटेशन होती है, उन सब की स्टडी जो है वो उनमें से किसी एक को कलेक्ट करके जो हमारे ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं। ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, इन ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स में से किसी भी एक को ले लेते हैं हम। ज्योग्राफिकल एलिमेंट में जैसे आपके क्लाइमेट, सोयल, वेजिटेशन, रिलीफ फीचर्स और अदर्स जितने भी हमारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि आपके किसी भी प्रकार के जो आपके ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं, उन ज्योग्राफिकल एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट्स जो है वो हम चूज कर लेते हैं, और चूज करके उसके होल अर्थ के ऊपर जब उसकी स्टडी की जाती है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है वो हम उसकी स्टडी करते हैं, वर्ल्ड की जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो किस टाइप की है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ आता है, टेम्परेट क्लाइमेट कहाँ पर आता है, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट कहाँ पर आता है, एरिड क्लाइमेट कहाँ पर आता है, इन सब की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी जो स्टडी है वो होल वर्ल्ड के ऊपर की जाती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। तो ये आपका आ जाता है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। दूसरा जो है वो आपका आ जाता है रीजनल ज्योग्राफी। तो रीजनल ज्योग्राफी के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन्स को हम ले लेते हैं रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी के अंदर जैसे कि आपके ये पूरे वर्ल्ड है और वर्ल्ड के कोई भी एक पार्ट को ले लेते हैं, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ले लिया, सदर्न हेमिस्फीयर को ले लिया, या कॉन्टिनेंट को ले लिया, या कोई भी जो कंट्री है जैसे कि हमने इंडिया को ले लिया। अब इंडिया के अंदर जितने भी हमारे ज्योग्राफिकल एलिमेंट थे,
ज्योग्राफिकल एलिमेंट जैसे कि आपके क्लाइमेट है, सोयल है, वेजिटेशंस है, प्लेटू है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, और अदर कोई भी नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें से किसी भी एक एलिमेंट को लेकर के और इंडिया के ऊपर उसकी स्टडी की जाती है कि इंडिया की क्लाइमेट कैसी है, इंडिया की सोयल कैसी है, इंडिया की वेजिटेशंस कैसी है, इंडिया में कौन से मिनरल्स हैं, माउंटेन एरिया कहाँ पर है, प्लेन एरिया कहाँ पर है, उन सब की स्टडी की जाती है कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन लेकर के। तो वो कॉन्टिनेंट भी हम ले सकते हैं, कोई भी कंट्री ले सकते हैं, कोई भी स्टेट ले सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, इस प्रकार से कोई भी स्पेसिफिक रीजन लेकर के और उसके ऊपर जब उसकी स्टडी की जाती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रीजनल ज्योग्राफी का नाम देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में कोई भी ज्योग्राफिकल एलिमेंट लेकर के होल वर्ल्ड पे उसकी स्टडी की जाती है, और रीजनल ज्योग्राफी में कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन लेकर के उस पर सभी टाइप्स के जो ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी इसमें की जाती है। ये इनमें डिफरेंस होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टमेटिक ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी? तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी में जो डिफरेंस है वो सबसे पहला तो इनके डेफिनेशन का ही है, जो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की। तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी स्टडी द पर्टिकुलर एलिमेंट ओवर द अर्थ और ए पार्ट देयरऑफ। रीजनल ज्योग्राफी की डेफिनेशन जो हम लेते हैं, रीजनल ज्योग्राफी स्टडी ए पर्टिकुलर रीजन्स विद रेफरेंस टू ऑल द ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स। पर्टिकुलर रीजन्स और उसका रेफरेंस ऑल ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स के रूप में उसकी स्टडी करते हैं। सेकेंड जो डिफरेंस है इन दोनों के अंदर वो आता है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी प्रेजेंट एन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द एरिया। किसी भी एरिया के इंटीग्रेटेड फॉर्म्स के बारे में ये जानकारी देती है। दूसरा आता है रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी प्रेजेंट द आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ द एरिया, केवल एक एरिया के आइसोलेटेड कर देता है, उसी की जानकारी देता है। मीन्स ये एकांकी के रूप में आइसोलेटेड डिसिप्लिन के रूप में सब्जेक्ट के रूप में इसकी ज्योग्राफी की स्टडी करता है, और ये जो है वो इंटीग्रेटेड एक समग्रता के रूप में एक होल अर्थ के रूप में उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल यूनिट। इसको हम ज्योग्राफिकल यूनिट के रूप में डिवाइड करते हैं जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी होता है, कि ये जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट जोन है, ये जो है वो मॉडरेट क्लाइमेट जोन है, ये जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन है, ये जो है वो कोल्ड क्लाइमेट जोन है, ये यहाँ पर जो है वो डेसीडियस फॉरेस्ट है, यहाँ पर ब्लैक सोयल्स है, यानी कि किसी भी टाइप के अंदर उसकी ज्योग्राफिकल जो सेम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो उनको ज्योग्राफिकल यूनिट के ऊपर सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं। जबकि जो आपके रीजनल ज्योग्राफी है इसके को हम डिवाइड करते हैं वो पॉलिटिकल यूनिट के बेस के ऊपर डिवाइड करते हैं, कि ये इंडिया है, ये चाइना है, ये यूएसए है, ये जापान है। मीन्स उनके पॉलिटिकल यूनिट के बेस के ऊपर रीजनल ज्योग्राफी को डिवाइड करते हैं, कि इंडिया है तो उसके अंदर किस प्रकार के क्लाइमेट है, उसमें किस टाइप की सोयल है, किस टाइप की वेजिटेशन है, किस टाइप के में उसके फ्लोरा और फौना है, किस टाइप के ऊपर उसके रिलीफ फीचर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो रीजनल बेस यानी कि पॉलिटिकल बेस के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट आता है दिस स्टडी प्रेजेंट द फैक्ट। जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है वो फैक्ट को प्रेजेंट करती है कि वास्तव में वहां पर क्या होता है, वास्तव में वहां पर क्या होता है, किस प्रकार की क्लाइमेट है, किस टाइप की सोयल है, ये आता है। जबकि रीजनल ज्योग्राफी जो होती है वो हमें स्टडी प्रोवाइड करती है मैन मेड एनवायरमेंट और मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन रीजनल ज्योग्राफी प्रोवाइड करवाती है, कि रीजनल ज्योग्राफी के अंदर जो है वो इंडिया के सोयल को ह्यूमन बींग ने कैसे अफेक्ट किया है, वहां के जो वेजिटेशन है उसको कैसे अफेक्ट किया है, वहां के जो रिलीफ फ्यूचर्स हैं उसको कैसे अफेक्ट किया है, यानी कि मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप की स्टडी जो है वो रीजनल ज्योग्राफी के थ्रू की जाती है। मीन्स रीजनल ज्योग्राफी स्टडी द एग्जामिन मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है।
इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है आपका सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का, इन द सिस्टमेटिक स्टडी टाइप एंड सब टाइप एंड डिटरमाइन ऑन वन पर्टिकुलर फैक्टर फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के अंदर जो स्टडी की जाती है वो एक ही टाइप के एलिमेंट्स को, उसके जो टाइप्स हैं, उसके सब टाइप्स हैं, और उनको डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर हैं, उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं, उन सब की स्टडी की जाती है। जैसे हम क्लाइमेट लेते हैं तो क्लाइमेट को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, उनको अफेक्टेड करने वाले फैक्टर कौन से हैं, उनके सब टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से आते हैं, ये होल वर्ल्ड के ऊपर उसकी स्टडी की जाती है। जबकि आपके रीजनल ज्योग्राफी है, इसके अंदर द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन्स आर आइडेंटिफाइड, कि हर एक रीजन्स की जो बाउंड्री है वो आइडेंटिफाई की जाती है कि ये एरिया यहाँ पर है तो इसकी क्लाइमेट कैसी है, इसकी वेजिटेशन कैसी है, दस इज नोन एज द रीजनलाइजेशन। इसको हम केंद्रीयकरण, क्षेत्रीयकरण या क्षेत्रीय विभेदन का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये सेंट्रलाइज होती है, ये रीजनलाइज होती है। सेंट्रलाइज मीन्स होती है इसमें होल वर्ल्ड को केंद्र मान करके उसके बाद स्टडी की जाती है, इसमें किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन को सेंटर पॉइंट मान करके उसकी स्टडी की जाती है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसमें पढ़ रहे हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, कौन किस किस ने इनका जो है वो इंट्रोड्यूस किया, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। सिस्टमेटिक एंड रीजनल, द सिस्टमेटिक ज्योग्राफी अप्रोच इज द सेम एज द जनरल ज्योग्राफी। जैसे कि हम जनरल ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं, मीन्स जनरल ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, तो ये सिस्टमेटिक ज्योग्राफी एक जनरल ज्योग्राफी की तरह पढ़ी जाती है। दिस अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस बाई अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ए जर्मन ज्योग्राफर, 1769-1859। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, ये आपको ध्यान में रखना है, फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। तो ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मनी के ज्योग्राफर थे, उन्होंने ये अप्रोच जो है वो सबसे पहले दे दी। वाइल रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाई अनोदर जर्मन ज्योग्राफर एज कॉन्टेम्परेरी ऑफ हम्बोल्ट और कार्ल रीटर, जो दोनों ही एक समकालिक है, कॉन्टेम्परेरी मीन्स होते हैं एक ही समय के अंदर रहने वाले, जो एक जैसी विचारधारा रखने वाले जो होते हैं, तो हम्बोल्ट और कार्ल रीटर जो हैं, इन दोनों ने जो है वो रीजनल ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इन द सिस्टमेटिक अप्रोच ए फिनोमिना इज द स्टडी वर्ल्ड ओवर ए होल, कि कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी फिनोमिना लेते हैं और उसका उसकी स्टडी होल अर्थ के ऊपर की जाती है, वर्ल्ड पर की जाती है, तो वो आ जाते हैं। एंड देन द आइडेंटिफिकेशन एंड टोपोलॉजी ऑफ द स्पेशियल पैटर्न इज डन। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के अंदर जैसे बताया गया आपका कि किसी भी विषय वस्तु को लेकर के विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाता है और उसके बाद जो है वो उसको क्षेत्रीय स्वरूप में वर्गीकृत करके उसकी पहचान की जाती है ओवर द होल, एंड देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोपोलॉजीज ओवर द स्पेशियल पैटर्न इज डन, और उसके बाद में उसके टाइपोलॉजीज जो होते हैं, जितने भी उसके प्रकार होते हैं, उनका अध्ययन जो है वो किया जाता है, उसमें वर्गीकृत कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन इज इंटरेस्टेड इन ए स्टडी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, उदाहरणतः यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है, देन स्टडी विल बी डन एट द वर्ल्ड लेवल एज ए फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले उसका अध्ययन वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर करता है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो इंटरेस्ट रखता है स्टडी करने के, वेजिटेशन की स्टडी करने की इंटरेस्ट रखता है, तो सबसे पहले वो वर्ल्ड लेवल्स के वेजिटेशन की स्टडी करेगा कि पूरे विश्व के अंदर कितने प्रकार के वनस्पति हैं। द टाइपोलॉजिस सच एज इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट और सॉफ्ट वुड कॉनिकल
फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट। तो सर्वप्रथम वह विश्व स्तर पर उनका अध्ययन करेगा, फिर उसका वर्गीकरण करेगा, जैसे कि उसका जो है वो इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट, जो इक्विटोरियल रीजन आते हैं उनके वर्षा वन जो होते हैं, उसके बाद नरम लकड़ी वाले सॉफ्ट वुड कॉनिकल फॉरेस्ट, नरम लकड़ी वाले कोणधारी जो वन होते हैं उनका, उसके बाद मॉनसून फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट मॉनसून टाइप के फॉरेस्ट है जो मॉनसून वन होते हैं उनकी स्टडी करेगा। विल बी आइडेंटिफाइड डिस्कस्ड एंड डिलिमिटेड, उनकी वो विवेचना करेगा और डिलिमिटेड मीन्स उनकी वो सीमांकन करेगा कि कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पर है, कौन सा फॉरेस्ट कहाँ है, कौन से की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे कि आपके कॉनिकल फॉरेस्ट है तो उसकी स्टडी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट है उनकी क्या है, सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट है उनकी क्या है, मॉनसून फॉरेस्ट है उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो उनके लिए वो क्या करेगा, उनके लिमिटेड बनाएगा, उनकी विशेषताएं जो है वो तैयार करेगा। इन द रीजन अप्रोच द वर्ल्ड इज डिवाइड इनटू द रीजन्स एट डिफरेंट हायरार्किकल, हायरार्किकल मीन्स होता है कि बड़े पैमाने पर उनका जो है वो वर्गीकरण कर देता है, उनका विभाजन कर देता है, उनको पद कर्म के अनुसार जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में बांट देता है कि उनका किस किस प्रकार से उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उनके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देता है। लेवल एंड देन इन द ज्योग्राफिकल फिनोमिना इन ए पर्टिकुलर रीजन्स आर स्टडी। प्रादेशिक उपागम के अंदर विश्व को विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, स्तरों के अंदर जो है वो विभाजित कर देता है और उन स्तरों को विविध करके प्रत्येक कि एक विशेष प्रदेश के अंदर सभी भौगोलिक तत्वों का उसके अंदर अध्ययन किया जाता है कि उसका किस प्रकार के ज्योग्राफिकल जो फिनोमिना है, जो भौतिक उसकी घटनाएं घटित होती हैं उस पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर किस प्रकार की होती हैं, उसकी स्टडी इसके अंदर की जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फिनोमिना इन पर्टिकुलर रीजन्स आर स्टडी। दीज रीजन्स मे बी नेचुरल, ये रीजन जो है ये प्राकृतिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, डेजिनेटेड रीजन्स या किसी भी प्रकार के इनके अंदर जो है वो विशेषता हो सकती है, इनको जो है वो स्पेशल नाम दिया जा सकता है, इनको डेजिनेट किया जा सकता है। द फिनोमिना इन ए रीजन्स आर स्टडी इन द होलिस्टिक मैनर सर्चिंग फ्रॉम यूनिटी टू डाइवर्सिटी। इस प्रकार के जो प्रदेश होते हैं इनका एक होलिस्टिक मैनर के अकॉर्डिंग जो है इनकी का अध्ययन किया जाता है और इनके अंदर विविधता में एकता को खोजा जाता है कि होलिस्टिक मैनर सर्चिंग फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी कि जो इनके अंदर बहुत सारी विविधता होती है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, अदर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो इनकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन सब की जो डाइवर्सिटी होती है उस डाइवर्सिटी के अंदर इसमें यूनिटी को सर्च किया जाता है कि इनमें यूनिटी क्या होती है, इनमें एकरूपता क्या होती है। तो ये थे आपके जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी में डिफरेंस और दोनों की इम्पोर्टेंस। इसके बाद आते हैं ड्यूलिज्म्स। ड्यूलिज्म मीन्स कि ज्योग्राफी की जो स्टडी की जाती है तो उसमें किस लेवल पर स्टडी की जाए कि ज्योग्राफी को जो है वो साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में स्टडी की जाए या सोशल सब्जेक्ट के रूप में उसकी स्टडी की जाए। तो अर्लियर जो हमारे ज्योग्राफर थे उन्होंने ज्योग्राफी को केवल साइंटिफिक मेथड के रूप में ही माना कि उनको एक जो है वो वैज्ञानिक सब्जेक्ट के रूप में उसका अध्ययन किया और वैज्ञानिक सब्जेक्ट के रूप में जब उसका अध्ययन करते थे तो केवल इसको फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में ही इसकी स्टडी की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है वो इसमें ड्यूलिज्म्स आने लगा, इसमें द्वैतवाद आने लगा कि इसको जो है वो सोशल ज्योग्राफी के रूप में भी पढ़ा जाए, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में भी पढ़ा जाए। तो इसको फिर दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें ध्यान दें, ड्यूलिज्म इज वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक्स
of geography which got introduced from the very beginnings. भूगोल में द्वैतवाद एक मुख्य विशेषता है. इसका प्रारंभ से ही एक विषय के रूप में परिवर्तन हो चुका था. दिस dualism डिपेंड ऑन द aspects ऑफ emphasis इन द स्टडी. द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर यह निर्भर करता है कि पहले इसको किस सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाए. अर्ली स्कॉलर्स लेड एम्फेसिस ऑन द फिजिकल ज्योग्राफी. जो पहले विद्वान थे वो भूगोल को केवल भौतिक भूगोल के अध्ययन तक ही बल देते थे. उसके बाद उसको उसके आगे वो कुछ नहीं जानकारी देते थे. बट ह्यूमन बींग्स आर एन इंटरजल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का भी समाकलित भाग है, यानी कि धरातल पर मनुष्य का भी निवास स्थान है, वो भी इसके ऊपर इंटरजल पार्ट है, उसके समाकलित रूप के अंदर वो रहता है. दे आर पार्ट एंड द पार्सल्स ऑफ नेचर. वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है. ह्यूमन बींग जो है वो प्रकृति का एक क्या है, अनिवार्य अंग है. दे ऑल्सो हैव कंट्रीब्यूट थ्रू देयर कल्चरल डेवलपमेंट. उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से पृथ्वी के निर्माण में अपना योगदान दिया है. दस डेवलपमेंट ऑफ वुमेन ज्योग्राफी वाज एम्फेसिस ऑन द वुमेन एक्टिविटी. इस प्रकार मानवीय क्रियाएं बल देने के साथ मानव भूगोल का भी विकास हुआ कि पृथ्वी के ऊपर जो मानवीय क्रियाएं होती हैं तो इसमें वुमेन ज्योग्राफी की भी स्टडी की जानी चाहिए. तो ये ड्यूलिज्म जो है, द्वैतवाद है, वो समाप्त हुआ कि अब इसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करके इसकी स्टडी की जाती है. इसके बाद आता है ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक अप्रोच. सिस्टमेटिक अप्रोच के आधार पर जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफरेंट ब्रांच के अंदर डिवाइड किया गया. तो इसमें सबसे पहला आता है फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं. तो इसमें सबसे पहला जैसे कि आपका आ जाता है जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं भू आकृति. भू आकृति मीन्स होता है लैंडफॉर्म्स. हमारे अर्थ सरफेस पर डिफरेंट टाइप्स के जो लैंडफॉर्म्स हैं इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ और इनका प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से एक्टिव है. तो जियोमॉर्फोलॉजी इज द डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, देयर एवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेस. भू आकृति विज्ञान के अंदर भू आकृति उनके विकास और उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है. उससे रिलेटेड जो प्रोसेस होते हैं उनका इसमें अध्ययन किया जाता है. जो इस ज्योग्राफी हमारे जो प्लस वन की ज्योग्राफी है उसके अंदर हम इस फिजिकल ज्योग्राफी के जो ये पॉइंट्स हैं इन्हीं की स्टडी करेंगे. तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी जिसको हम जलवायु विज्ञान के नाम से जानते हैं. जलवायु विज्ञान के अंदर जो है वो जो हमारी एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है उसका कंपोजिशन है और वेदर के जो एलिमेंट्स है, क्लाइमेट के एलिमेंट्स है, टाइप ऑफ क्लाइमेट्स है और जो क्लाइमेट रीजन्स हैं उनकी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. यानी कि पूरे क्लाइमेट और इससे अफेक्टेड करने वाले जो फैक्टर हैं उनको क्लाइमेटोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी की जाती है. नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी के अंदर जो है वो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर सोर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं. इनके अंदर जो हमारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, सी हैं, इनकी स्टडी हम करते हैं और ये हमारे ह्यूमन बींग के लिए किस प्रकार से बेनिफिट हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज के अंदर अवेलेबल्स हैं, कौन सा सी और ओशन है वो लार्ज है, कौन सा स्मॉल है, कौन से क्या वाटर के डेप्थ है और जो अदर्स उनके अंदर रिलीफ फीचर्स हैं वो किस टाइप के होते हैं. तो ये हाइड्रोलॉजी के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं. इसके बाद आते हैं सोयल ज्योग्राफी. सोयल ज्योग्राफी जो है ये सोयल का फॉर्मेशन और टाइप ऑफ सोयल्स की इंफॉर्मेशन ह्यूमन बींग को प्रोवाइड करते हैं. सोयल ज्योग्राफी इज डिवोटेड टू द स्टडी द प्रोसेस ऑफ सोयल फॉर्मेशन, सोयल टाइप्स, देयर फर्टिलिटी स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज. इनकी इंफॉर्मेशन हमें सोयल ज्योग्राफी प्रोवाइड करवाते हैं. इसके बाद आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये आपके ह्यूमन से रिलेटेड जो
एक्टिविटीज होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ह्यूमन एलिमेंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर दी जाती है जो आप प्लस टू के अंदर पढ़ेंगे। सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, जो ह्यूमन की सोशल और कल्चरल एक्टिविटी है, उनका इंटर रिलेशंस है, उनकी जो सोसाइटी है, इन सोसाइटी के अंदर इनका किस प्रकार से कंट्रीब्यूशंस है और कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इस कंट्रीब्यूशंस और सोसाइटी को अफेक्टेड करने वाले होते हैं, वो सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं पॉपुलेशंस और सेटलमेंट्स। पॉपुलेशन का अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट, माइग्रेशंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स, ये सारे जो हैं वो पॉपुलेशंस और सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक स्टडी। इकोनॉमिक स्टडी के अंदर जो ह्यूमन बीइंग की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ह्यूमन बीइंग अपनी लाइवलीहुड किन किन एक्टिविटी से अर्न करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी और क्वाइनरी, इनके अंदर इनको डिवाइड करके और उनकी स्टडी जो है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी स्टडी द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द स्पेस गेट ऑर्गेनाइज, कि कोई भी जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र के अंदर जो ऐतिहासिक फिनोमिनाज होते हैं, ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का अध्ययन जो है वो इसके अंदर किया जाता है। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करते हैं। प्रत्येक प्रदेश जो है वो उसकी वर्तमान स्थिति जो है वो जो पास्ट के एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो की गई है, तो उन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐतिहासिक भूगोल के अंदर दी जाती है। ज्योग्राफी हिस्टोरिकली ज्योग्राफी स्टडी द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द स्पेस गेट ऑर्गेनाइज, एवरी रीजन हैज अंडरगोन सम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बिफोर अटेनिंग द प्रेजेंट डे स्टेटस। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है जो उस क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पहले उसके भूतपूर्व ऐतिहासिक अनुभव से गुजरा है और भौतिक तत्वों में सामयिक और परिवर्तन होते रहे, यानी कि उनमें टेम्पोरल जो चेंज हैं वो होते रहे हैं और उन जो चेंज हैं वो हमें हिस्टोरिकल ज्योग्राफी से ही प्रोवाइड्स होते हैं कि इसका पास्ट कैसा था और इसका जो प्रेजेंट है वो किस प्रकार का होगा और आगे का जो पार्ट है जो इसका वो फ्यूचर है वो किस प्रकार से होगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी से रिसीव करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है राजनीतिक भूगोल जो है लुक एट द स्पेस फ्रॉम द एंगल ऑफ द पॉलिटिकल इवेंट्स एंड स्टडी ऑफ बाउंड्री स्पेस रिलेशंस बिटवीन द नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स डिलिमिनेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्शंस सिनेरियो एंड द डेवलप्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशंस। राजनीतिक जो भूगोल है यह क्षेत्र की राजनीतिक घटनाओं की जानकारी हमें देता है, उसकी सीमाओं, उसके निकट स्थल जो हमारे पड़ोसी यूनिट्स हैं उनके बारे में, मध्य और वहां की जो डेलिमिनेशंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनके बारे में, चुनाव के परिदर्शन के बारे में, साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कोई भी कंट्री जो होते हैं उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, किस प्रकार की वहां पर जो है वो सिद्धांत वगैरहों का विश्लेषण किया जाता है, वहां के चुनाव की परिदृश्य और विश्लेषण है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, इन सब क्षेत्रों की जो जानकारी है वो हमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी के थ्रू प्रोवाइड होती है। मीन्स पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो किसी भी कंट्री को उनकी पॉलिटिकल यूनिट के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे जो आपकी कंट्री है उसको स्टेट के अंदर डिवाइड करती है और स्टेट के बाद जो है उसको डिस्ट्रिक्ट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है उसको तहसील और विलेज के अंदर जो डिवाइड करती है, तो वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर उसकी स्टडी की जाती है। उसके बाद आती है आपका बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी जो जीव भूगोल होता है इसके अंदर जो हमारे बायोलॉजिकल फिनोमिनाज होते हैं
जैविक जो परिघटनाएं होती हैं जिसमें फ्लोरा और फाना जो होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें प्लांट ज्योग्राफी, जो प्लांट्स के टाइप्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन है, उनके जो हैबिटेट्स हैं कि कौन से क्षेत्र के अंदर वो रहते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्लांट ज्योग्राफी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसमें सबसे पहले वनस्पति भूगोल जो होता है प्लांट, विच स्टडी द स्पेशल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटेट। यह प्राकृतिक वनस्पति और उनके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो जियो ज्योग्राफी आता है, विच स्टडी द स्पेशल पैटर्न एंड ज्योग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। इसमें पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, उसके ज्योग्राफिकल जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उनकी स्टडी इसके अंदर हम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इकोलॉजी या इकोसिस्टम। इकोलॉजी या इकोसिस्टम जो होता है वो हमारे इकोलॉजी को जो अनबैलेंस हो रहा है या बैलेंस था उसको अनबैलेंस किया जा रहा है या अनबैलेंस को बैलेंस में किया जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। इकोलॉजी इकोलॉजिकल सिस्टम डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हैबिटेट्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज। पारिस्थितिक विज्ञान के अंदर इसमें जो हमारी प्रजातियां हैं उनके निवास, उनकी स्थिति और उनके क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो किया जाता है कि कौन से एरिया के अंदर किस टाइप के जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी जो स्पीसीज हैं वो रह रही हैं। इसके बाद आता है हमारा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कंसर्न वर्ल्ड ओवरलेडिंग ऑफ द रिलेशंस ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं का समाधान है वो किस प्रकार से किया जाए और ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं इनकी इन्फॉर्मेशन जो है, इनका जो अध्ययन है वो इसके अंदर किया जाता है। रिलेशनशिप ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, चाहे लैंड डिग्रेडेशन पॉल्यूशन एंड कंसर्न फॉर द कंजर्वेशन हैज रिजल्टेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू ब्रांच इन ज्योग्राफी। तो इसमें भूमि ह्रास, प्रदूषण, उसके संरक्षण आदि का अनुभव किया जाता है और इस अध्ययन से उनके संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। तो ये जो है वो आपके सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के अंदर एक नए ब्रांच के रूप में जोड़ा गया। तो ये आपको यहाँ तक ध्यान में रखना है। कल हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑफ रीजनल अप्रोच।